छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में तहसील साहू संघ गुंदरदेही द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में टहल साहू प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं अतिथियों का पुष्पहार और मोमेंटो से स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं संपूर्ण साहू समाज को अपना परिवार मानता हूँ। समाज ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बड़ा दायित्व दिया है। आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समाज को मुझसे जो उम्मीद है उसमें खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। हमें गर्व है कि सबसे बड़े संगठित समाज का एक अंग हूं और समाज को हमें मिलजुल कर संगठित रखना है। साहू समाज की एकता ही पहचान है और इस एकता को सदैव ही बरकरार रखेंगे। समस्त पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूँ। सबको एक साथ लेकर एवं भाईचारे के रास्ते में चलने वाला समाज है। समाज की ताकत हमारी माता बहनें ही हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में लेकर कई ऊंचे पदों में अपनी भूमिका निभा रही हैं। इस अवसर पर साहू संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। हमारा समाज बहुत संगठित समृद्ध है और सभी क्षेत्रों में अग्रणी है और शुरू से रहा है, आगे भी रहेगा। हम लोग समाज में महिलाओं की भागीदारी और युवाओं को जोड़कर आगे समाज को दिशा प्रदान करने की कोशिश करेंगे आप सबके सहयोग से। गांव में ग्रामीण अध्यक्ष रह चुका हूं, उसके बाद परिक्षेत्र कुर्दी में सचिव, सचिव के बाद में परिक्षेत्रीय अध्यक्ष और उसके बाद में नव निर्मित अर्जुंदा तहसील में तहसील अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेकर आज तहसील साहू संघ अर्जुंदा का शपथ ग्रहण लिया हूँ। और हमारे अग्रज तहसील अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए और हमारे जो समाज के लिए मार्गदर्शिका के अनुसार से जो भी कहे वो हम आगे करते रहेंगे और अर्जुंदा तहसील को हम अर्जुंदा में उत्कृष्ट तहसील का दर्जा प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और उसके अनुसार से काम करेंगे। महिला कोई कारणवश बेवा हो जाए तो उनकी चूड़ी को तालाब में निर्दयता पूर्वक नाई के द्वारा जो उतारा जाता है, मैं उसका विरोध करता हूं और उस नियम में मैं परिवर्तन ला रहा हूं। समाज में सामाजिक नियमावली में मैं उसको संशोधन करूंगा कि चूड़ी घर के कमरे में उतार के तालाब का काम किया जाएगा और इसी पर्पस पे फिर 20 साल 22 साल बाद उनके बच्चा जवान होता है तो उनको मोर नहीं सौंपने दिया जाता, तो वो विधवा माता अपनी बच्चे का मोर सौंपेगा। ऐसा मैंने समाज में पूरे ऐलान किया हूं और समाज वाले लोग भी पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं। लावण चंद्राकर की रिपोर्ट।